नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक आपका विसी ट्यूटोरियल पे स्वागत करता हूँ। इंटर वालों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ गई है। जी हाँ, जैसा कि मैंने कल अपडेट दिया था कि आप लोग का रिजल्ट जो है वो तैयार हो गया है, कभी भी जारी हो सकता है। ऐसे में बिहार बोर्ड की तरफ से रातों रात कर दिया गया है बड़ा ऐलान। जी हाँ, जहाँ रिजल्ट की तारीख पहले 26 मार्च और 24 मार्च की बताई जा रही थी, अब वो सारी डेट जो है वो कैंसिल हो गई है। आप लोग का जो रिजल्ट आने जा रहा है वो आने जा रहा है इसी दिन, यानी संडे को आप लोग का रिजल्ट जो है वो जारी हो रहा है। संडे यानी 21 मार्च को आप लोग का रिजल्ट जो है वो जारी किया जा रहा है बिहार बोर्ड की तरफ से। सबसे पहले आपको कैसे चेक करना है ये आज की वीडियो में बताने जा रहा हूँ। मेरे जो भी सब्सक्राइबर है, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, क्योंकि जिस दिन रिजल्ट आता है उस दिन सर्वर इतना डाउन हो जाता है, लोग चेक नहीं कर पाते हैं और साइबर कैफे जाना पड़ जाता है सभी छात्रों को। तो उनसे बचने के लिए मैं बताने जा रहा हूं कि सबसे पहले आप अपना रिजल्ट कैसे चेक कर पाएंगे। तो बिल्कुल ध्यान से पूरी वीडियो जरूर देखिएगा, मैं खुद यहां पे लाइव चेक करके बता रहा हूं। कोई भी आपके लिए कोई भी दिक्कत नहीं होगी, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे आपको सिर्फ करना है, ठीक है। तो वीडियो कर दीजिए लाइक और शेयर, चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर दीजिए ताकि बिहार बोर्ड की हर अपडेट आपको मिलती रहे। जैसे मैं यहाँ पे बता रहा हूँ बिल्कुल सेम स्टेप फॉलो करना, आप लोग आसानी से अपना रिजल्ट देख पाओगे। तो बिल्कुल यहाँ से ध्यान से देखना, थोड़ा सा भी यहाँ पे स्किप नहीं करना। स्किप करोगे तो फिर वही प्रॉब्लम होगा, उस दिन कमेंट करोगे सर रिजल्ट कैसे चेक करें, मेरा चेक कर दीजिए, रोल कोड रोल नंबर ये है। तो वो करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जैसे मैं बता रहा हूँ ना वैसे आप करो। बिल्कुल आप लोग अपना रिजल्ट खुद से अपने मोबाइल से, ठीक है, 5 से 10 मिनट में चेक कर लोगे, कोई भी सर्वर प्रॉब्लम नहीं आएगा इस ऐप पे। तो जैसे मैं बता रहा हूँ बिल्कुल वैसे करना है। तो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा सभी छात्र, 21 मार्च को आप लोग का रिजल्ट जो है वो इसी वेबसाइट पर आने जा रहा है, ठीक है, दोपहर के 3 बजे। तो देखिए यहाँ पर बताता हूँ। तो देखिए सबसे पहले आपको अपना प्ले स्टोर खोल लेना है। प्ले स्टोर में आपको यहाँ पे टाइप करना है बिहार बोर्ड रिजल्ट 2021। तो बिहार बोर्ड रिजल्ट 2021 आप जैसे ही टाइप कीजिएगा आपके सामने ऐसा इंटरफेस खुलेगा, ठीक है। अब उसमें जो आपको डाउनलोड कर लेना है, इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। तो मैंने पहले से इंस्टॉल कर रखा है और ये बहुत शानदार ऐप है, इसलिए मैं यहाँ पर रेटिंग भी दे देता हूँ, ठीक है। काफ़ी अच्छा ऐप है रिजल्ट चेक करने के लिए, ठीक है। बहुत जल्द आप यहां से रिजल्ट चेक कर सकते हैं। तो जैसे मैं बता रहा हूं बिल्कुल वैसे चेक करना है, जैसे मैं बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप यहां पे बता रहा हूं, ठीक है। बिल्कुल ध्यान से आप लोग देखेंगे सब कुछ यहां पे मैं खुद चेक करके बताने जा रहा हूँ। तो अभी तक लाइक नहीं किया हो तो जल्दी से लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करो जल्दी से। यहाँ पर देखिए अन अकेडमी लेकर आ गया है बम्पर ऑफर फॉर नीट यूजी एस्पायरेंट्स। कोई भी 3 महीने का सब्सक्रिप्शन प्लान खरीदे और 31 जुलाई तक फ्री सब्सक्रिप्शन पाए, जो कि पेपर होने वाला है आपका 1 अगस्त को। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आज ही अभिषेक ट्यूटोरियल कोड यूज करें और 10% का डिस्काउंट जल्दी से पाएं। साथ ही साथ अन अकेडमी देने जा रही है 3.5 करोड़ की स्कॉलरशिप, तो आप भी जीत सकते हैं 3.5 करोड़ की स्कॉलरशिप। इसके लिए आपको वीकली स्कॉलरशिप टेस्ट में पार्टिसिपेट करना है, जो कि होने जा रहा है इस संडे को। रेफरल कोड अभिषेक ट्यूटोरियल और फ्री में इनरोल करें। यहाँ पे क्लास 11, क्लास 12 और क्लास 13 के सभी स्टूडेंट को 100% स्कॉलरशिप दी जा रही है, जैसे कि विनर आपके सामने यहाँ पर लिस्ट दिया गया है, आप भी इस लिस्ट में शामिल हो सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। बाय इनरोल फॉर नीट यूजी कॉम्बेट, क्योंकि यहां पे 3.5 करोड़ की स्कॉलरशिप मिलती है। साथ ही साथ टेक लाइव टेस्ट फ्रॉम एंड्रॉइड फोन, यानी एंड्रॉइड फोन से फ्री में लाइव टेस्ट मिल जाता है, फ्री रजिस्ट्रेशन है और 60 मिनट का मात्र आपको क्यूज में पार्टिसिपेट करना है। सब्जेक्ट की बात की जाए तो सब्जेक्ट है आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी। 100% यहां पर स्कॉलरशिप मिलेगा टॉप 3 विनर को, यहां पर प्लस सब्सक्रिप्शन पर भी 100% स्कॉलरशिप मिलेगा। तो आज ही 21 मार्च के लिए हो जाए। यहां पे टेस्ट फॉर्मेट की बात करें तो 60 मिनट का टेस्ट फॉर्मेट है, 28 क्वेश्चन है, सेपरेट कॉन्टेस्ट है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जूलॉजी। यहां पे आप इनरोल करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, अन अकेडमी, लेट्स क्रैक इट। तो यहाँ पे आ गया हूँ मैं अपने मोबाइल स्क्रीन पे, क्योंकि मैंने पहले से ही डाउनलोड कर रखा है। तो देखिए जो ऐप है उसको मैं अब खोल रहा हूँ। तो जैसे ही आप खोलेंगे इस तरह का इंटरफेस आपके मोबाइल स्क्रीन पे देखने को मिलेगा, जैसा कि आप देख रहे हैं, ठीक है, इस तरह का इंटरफेस मिलेगा। उसके बाद आपको 10th रिजल्ट 2021 और 12th रिजल्ट 2021
देखने को मिलेगा। तो आपको चेक करना है 12th का तो भी आप इस पे चेक कर पाएंगे, और 10th का चेक करना है तो भी आप इस पे चेक कर पाएंगे। थ्री डॉट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखिए प्ले क्यूज का ऑप्शन आ रहा है, आप यहाँ से क्यूज भी प्ले कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे रिजल्ट पहले चेक कर लेते हैं। तो 12th रिजल्ट की बात की जाए तो सबसे पहले हम लोग 12th रिजल्ट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। 10th रिजल्ट हो या 12th रिजल्ट हो, सभी के लिए यही ऐप है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले ऊपर में लिख रहा है बिहार बोर्ड BSEB 12th रिजल्ट 2021 नॉट डिक्लेयर, क्योंकि अभी डिक्लेयर नहीं हुआ है। यहाँ पे देखिए डेट अभी तक 24th मार्च लिख रहा है, क्योंकि आज ये अपडेट आई है तो कुछ देर में आपका ये 21st मार्च हो जाएगा, ठीक है। अब ये रिजल्ट जो है 21st मार्च को आने जा रहे हैं। अब बताने जा रहे हैं कि यहाँ पे कैसे छात्रों को कितना रिजल्ट आया है, और जो इंटरव्यू के लिए बुलाए जा रहे हैं उन्हें क्या पूछा जाएगा। यहाँ पे देखिए तो जो भी छात्र के इंटरव्यू के लिए बुलाया जाना है, जिसे कॉल किया गया है, उन सभी का इंटरव्यू होगा। बस 2 से 3 दिन में उन लोग का इंटरव्यू खत्म भी कर दिया जाएगा। तो आपको बता दें कि इंटरव्यू के लिए जो सभी को बुलाया जाना है, क्योंकि रिजल्ट जो है वो तैयार हो गया है, तो आप मान के चले कि ये बिल्कुल औपचारिकता है, ठीक है। तो बिल्कुल टेंशन नहीं लीजिए, ऐसा नहीं है कि आप लोग का रिजल्ट आप लोग का रोक दिया जाएगा, आप लोग टॉपर लिस्ट से बाहर हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सिर्फ ये औपचारिकता होती है, बस उनके जो जवाब होंगे उनके जवाब का आंसर आपको सही से देना है। बिल्कुल घबराना नहीं है, चेहरे पे बिल्कुल भी सिकुन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो आप लोग से बस पूछा जाएगा कि आप लोग अपना कहाँ से हैं, मीन्स आप लोग से सेल्फ इंट्रोडक्शन लिया जाएगा। उसके बाद आप लोग से 2-3 क्वेश्चन वहाँ पे जो पैनल में बैठे हुए रहेंगे, 4 से 5 लोग रहेंगे, 2-3 क्वेश्चन आप लोगों से करेंगे। अगर वो पहले 2-3 क्वेश्चन का आंसर आप लोग सही बता देते हो, वो आपका MCQ होगा, यानी ऑब्जेक्टिव होगा। तो आप लोग को बहुत छेड़छाड़ नहीं करेंगे, बस आप लोग से थोड़ी बहुत बातें करेंगे और आप लोग को जाने देंगे। लेकिन अगर आप पहले ही 2-3 सवालों के जवाब नहीं दे पाते हो, उन्हें अगर डाउट हो जाता है कि ये लड़का जवाब सही नहीं दे रहा है, तब आपसे वो ज़्यादा क्वेश्चंस कर सकते हैं इस स्थिति में। लेकिन आप लोग बता दें कि जो भी आप बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम देकर आए हो, उसके पेपर को अच्छे से देख कर वहाँ पर जाइएगा, उसी से क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे जो आपने बनाए हैं, चाहे वो ऑब्जेक्टिव है या दीर्घ उत्तरीय है या लघु उत्तरीय है। तो वो पेपर आप जरूर से ज़रूर देख के जाइएगा, जो आपने सही आंसर वहाँ पर बनाया है, कहीं भूल गए हो तो उसे फिर से याद कर लेना। तो आप लोग का रिजल्ट जो है वो 21 मार्च को सुबह के दोपहर के 3 बजे जारी होने जा रहा है। तो बस वीडियो कर दीजिए शेयर सभी को, ताकि सभी लोग अपना रिजल्ट जो है वो चेक कर पाएं, क्योंकि मैंने इसमें चेक करके बता दिया है कि आप लोग का रिजल्ट जो है वो कैसे चेक करना है। तो जो वीडियो को स्किप करके नहीं देखे होंगे वो बिल्कुल देख लिए होंगे। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। एक बात और, यहाँ पर जो भी छात्र जो हैं टॉपर कर रहे हैं, कमेंट करके ज़रूर बता दें कि किन्हीं किन्हीं ऐसे छात्र हैं जिनको कॉल किया गया है इंटरव्यू के लिए, ताकि सभी छात्रों को यहाँ पता चल सके कि इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाता है। बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जिन्हें अंदाज़ा नहीं है कि कॉल होता है, और वो सोचते हैं कि सर ऐसे ही बोल रहे हैं, तो ऐसे नहीं है। बहुत सारे छात्रों को कॉल किया जा रहा है, तो जिनको कॉल किया गया है उनके बिहार बोर्ड की तरफ से आप लोग की शुभकामनाएं, और अभिषेक ट्यूटोरियल की तरफ से आप लोग को बेस्ट ऑफ लक कि आप लोग का रिजल्ट इतना अच्छा होने जा रहा है। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कमेंट जरूर करके बताएं कि आप लोग कौन ऐसे छात्र हैं जो टॉपर होने जा रहे हो।